लक्ष्मी बेबी। हाय किशन। निधि नहीं आई आज। कब है विशाल? What is happening? Yeah. Oh man, fantastic. Yeah, I love the mic, man. Diamond order. 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 किशन बहुत नाराज हो जाता है जल्दी, बहुत सेंसिटिव है। क्या बोल रहे हैं? चल चल, हम तीनों का मेरी आउटफिट को लेकर आई थिंक इट्स द कलर ऑफ लव, कलर ऑफ एंगर, कलर ऑफ फीलिंग्स एंड वाइट हर रंग में घुल जाने वाला कलर है। तो ये दो कलर को लेके रोहित ने जो ये थीम बनाई थी कि #  नो कंडीशंस अप्लाई, एंड ये 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक शो हुआ था, उसको लेके उन्होंने ये कैरी फॉरवर्ड किया है जेंडर इक्वलिटी। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो मुझे जो लगा है कि प्यार सबके लिए होता है, एक के लिए नहीं होता है। धर्म सबके लिए लागू होता है, हमने अलग अलग चीज़ों में बांटा है, लेकिन ये है सबके लिए। मतलब सबका, सब चीज़ों का एक ही निकलता है, तो हम लोग क्यों भेदभाव रखते हैं? हम लोग लोगों को अपनाते नहीं हैं। लॉ भी पास होते हैं, लेकिन जब सोसाइटी को एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो लोगों में काफ़ी हेजिटेशन होते हैं। तो उसी चीज़ को लेके उन्होंने अपनी ये फीलिंग्स दर्शाई है। और रही बात गारमेंट की, बात करूँ तो रोहित के जो गारमेंट्स हैं, उनके जो कपड़े हैं, कई बार होता है कि हमें पहनने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आपको एक पता है कि आप अच्छे ही दिखेंगे। एंड द कलर जो उन्होंने यूज़ किया है, बेज और रेड, जो हम लोग नॉर्मली शादी में करते हैं, और बहुत सारे ऐसे अच्छे और आगे बढ़ने के लिए हमारे घर में पूजा पाठ धर्म होता है तभी भी करते हैं। एंड उन्होंने उनकी जो थीम थी वो माता, उन्होंने जो सारे गाने भी लिए थे, आई रियली लाइक दैट दैट मदर आल्सो डजंट फील एनी डिफरेंसेस बिटवीन देयर किड्स, तो हम लोग क्यों करते हैं। सो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट, आई रियली लव द क्लोथ्स, एंड सारे सेगमेंट्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस थी, तो आई रियली लव इट। पहले ये बताओ ये किसका है? ये तो मतलब यार कहाँ से लेके आया? एक्चुअली सबसे पहले तो रोहित को बधाई दूंगा कि उन्होंने सिंदूर खेला, जो कॉन्सेप्ट है जो कलकत्ता में होता है, जहाँ पे पहले ये हुआ करता था कि सिर्फ मैरिड वुमेन ही सिंदूर खेला करती थी, लेकिन दो साल से क्या हो रहा है कि एक पंडाल बनाया जा रहा है जहाँ पे हर नारी शक्ति आके सिंदूर खेला कर सकती है, मैरिड हो, डिवोर्सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस जेंडर इक्वालिटी को लेके इन्होंने एक शो बनाया बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक के लिए, जहाँ पे ट्रांसजेंडर, जहाँ पे एसिड अटैक्स, जहाँ पे हम जैसे सेलिब्रिटी, जहाँ पे मॉडल्स, जहाँ पे नॉर्मल लोग भी वॉक कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा कॉज है। और ऐसे कॉज के लिए वॉक करना, सी हम धर्म के नाम पर तो अलग हैं ही सब, जात के नाम पर तो अलग हैं, इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी के नाम पर भी हम लोग बहुत अलग हैं। कोई किसी को अगर छोटा होता है तो छोटा बोल देता है, कोई लड़की को लड़की बोल, मतलब हर तरह के एक दूसरे को दबाते हैं ये। सो अच्छा टाइम है कि जेंडर इक्वालिटी को भी ऊपर लेके आया जाए और इस पर बात की जाए, और हम सबको एटलीस्ट ये बताया जाए कि हम सब इक्वल, हम सब में एक कहीं ना कहीं एक इंसान है, एक सोल है, जो जिसका कोई जेंडर है नहीं। और कपड़ों की बात रही तो मुझे तो कपड़े बहुत पसंद हैं, क्योंकि मुझे खुद को ऐसे छोटे छोटे कपड़े अच्छे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। और क्योंकि आपने देखा बहुत सारे मॉडल्स है यार, कैसे तैयारी की होगी उन लोगों ने, इतने डिफरेंट तरह के डिज़ाइन, इतनी रातों की जो मेहनत है, हैट्स ऑफ है रोहित के लिए, अच्छा किया उन्होंने बहुत। देखिए इन्होंने तो सब कुछ कह ही दिया वैसे, हाँ लक्ष्मी ने भी बोल दिया। इस टाइम मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो हम जेंडर इक्वालिटी है, हम बात करते हैं जेंडर, इट इज़ अ स्पेक्ट्रम, ये दो ऑपोजिट लीडर्स नहीं है कि एक मेल और एक फीमेल,
स्पेक्ट्रम, हमें एक, अगर हमें सीरियसली अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें जितने भी औरतें हैं उन्हें आगे बढ़ाना होगा और उन्हें एक जैसा देखना होगा, एंड हमें बंद करना होगा कि लड़कियों को लड़कों की तरह पालना, लड़कों को लड़कियों की तरह पालना भी पड़ेगा हमें, ये एक हमें कॉन्सेप्ट को चेंज करना पड़ेगा. दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी डन इन 2 days, 3 days, 2 years. It will take time. It will take time. और ये रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, ये आज से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके 10 सालों में ये हट जाएगा. बिल्कुल. That's what I believe. And this सिंदूर खेला itself, it's a very different concept. और रोहित ने इसको टारगेट किया, इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया, अपने कपड़ों के साथ दर्शाया. एसिड विक्टिम, देन जितने ट्रांसजेंडर्स हैं, अपने मैरिड विडो, इन सबको एक साथ लेकर आए एक स्टेज पर, उनकी खुशी देखते हुए बनती थी. एंड आई लव्ड इट व्हेन दे वर वॉकिंग, दे वर सो कॉन्फिडेंट, दे वर सो हैप्पी. आई लव द होल कॉन्सेप्ट एंड द कितने इतने अच्छे प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. आई लव्ड इट. वो सिंदूर खेला का जो कॉन्सेप्ट रखा उन्होंने, जो बंगाल